तो अब जैसे जा रही है गिफ्ट ओपन करने के लिए और पापा जी यहाँ हमारे वीडियो कॉलिंग से देख रहे हैं और यहाँ हम सब लोग बैठे हैं तो देखते हैं जैसी का गिफ्ट। 1 2 10 तक गिनना पड़ जाएगा ऐसे में। जब ओपन करेगी तब गिनती हूँ। वन टू थ्री। अरे वाह, वाह बहुत प्यारे बाउल है, आज वो है ना शरद पूर्णिमा है, देखिए शरद पूर्णिमा में खीर खाने के लिए। ये दो दो दिख रही है, दो है ये। और वो भी क्या कहते लिफाफा मिला है। सो अभी यहाँ सब आनंद ले रहे हैं टाइम पास मूंगफली का। तो मम्मी को भी पता चला कि जीजू को टमाटर का भरता बहुत पसंद है, तो अभी उनके लिए टमाटर का भरता और रोटी बनाकर लेकर आई हैं। दीदी यहाँ पे शर्व कर रही हैं सबको। और बना है आज वेज पुलाव एंड रायता। जाओ बच्चों डाइनिंग टेबल पर चले जाओ। प्रस्तुति कैसा लग रहा है? मजा आया ना? सब लोग फर्स्ट नाम लेकर आए, है ना? मजा आ गया है ना, इसीलिए हम लोग घर पे पार्टी करते हैं। और जैसे का गिफ्ट भी मस्त था। और शाम ये बोल रही थी मासी आपको भी डांस पे लेना चाहिए था, आपको फर्स्ट प्राइज मिलता, बट इसको पता नहीं मुझे डांस आता नहीं है। आप और मासी भी कर लेते हैं, अच्छा लगता। अच्छा कपड़े डांस कर लेते हैं ना। पर बिरयानी पार्टी चल रही है, बिरयानी पार्टी चल रही है। वाओ मस्त बिरयानी आज तो खाएंगे। और मासा जी और पापा के लिए भरता पार्टी। और इधर मम्मी और जया लगे हुए हैं किचन में। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मेरे बिना खाना भी नहीं खाएंगे, तो मैं बैठ जाती हूँ उनके साथ ताकि ये खाना खा लें। सब दीदी और जीजू जा रहे हैं। 8 तारीख को मिलना हो गया अब, और अब ऐसा मिलना हुआ है कि बार बार मिलते रहेंगे, है ना। बाय प्रस्तुति, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू। जय श्री मौसी, छोटी सी मौसी। बिल्कुल मैं बिल्कुल गुड नाइट। चलो हफ्ते हैं सब तुमको हो जाएंगे, सब एक एक दिन पहन। जय श्री आ चुकी है कॉलेज से। जब तक ड्रेस नहीं लग रही है ना जब तक तो पहन सकती हूँ। गर्मी लग रही थी। अच्छा लेकिन अभी तो बारिश हो रही है। लेकिन अच्छा उठ और मुझे सबके पिक्स सेंड करने का फीवर ही फीवर था। मुझे पिक्स सेंड कर रही थी मोमोज की, मैगी की, कोल्ड्रिंक की। मैं तो लेटी ही है लेकिन तुम्हारा वो तुम कॉन्टेस्ट में जीती हो ना।
फर्स्ट प्राइज आया ना, तुमको इंस्टाग्राम की तरफ से एक गिफ्ट आया है। ये सस्ती वाली सीटी है। हेलो हेलो हेलो, ब्लॉग नहीं वीडियो है। करने जा रही है, ये आया है एक्चुअली। इसे किसकी तरफ से आया है तो इंस्टाग्राम की साइड से इसे कॉल। ठीक है ना यार, आम खाओ गुठली से क्या मतलब है, दिखाइए कि क्या अंदर क्या है ये दिखाई। बाद में कंपनी अपने का नाम देखते रहेंगे, हम भी खोल नहीं पाए उसकी वजह से। स्नैप 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 स्नैप। अच्छा स्नैप लिएगी पहले ये। क्या है इंस्टाग्राम? थैंक यू हमको बोलो पड़ेगा ना उसमें इंस्टाग्राम में, तो उसको वो करके मेंशन इंस्टाग्राम। बट ये शायद कलर बार की तरफ से है तुम्हें। थैंक यू कलर कलर बार बार थैंक यू कलर बार। चलो खोलो खोलो ये जय श्री का फर्स्ट कोलैबोरेशन फ्रॉम इंस्टाग्राम। यस रील्स बनाओ, रील्स लास्ट में ही बना सकते हो ना। कुछ दे दो यार इसको, कैंची वगैरह। कैसे फाड़ते लो, तुमने हाथ लगा दिए ना, अब मैं फाड़ दूँ। मैं कौन देगी वो किसी को? और अभी मैं खोल देता तो खोल देता पर इससे कट कर दो सीधा ऐसा। हाँ ये ले आई जय ने एंटिक चेंज। मेरे साथ रहा करो, दिमाग आएगा। आपके पास तो बहुत है। बहुत क्या वो प्रेजेंटेशन का आज? सर नहीं है। इतनी खुशी मिली क्या? खुशी मिली हाँ यार बहुत। मैं धूप धूप में रहती हूँ। हाँ ये आया है गिफ्ट जयश्री को। ये है वाव वाव वाव। क्या आया है यार ये इतना कॉस्टली? इतना ज़्यादा पैक है वो। ये 2000 रुपीस का है। फर्स्ट कोलैबोरेशन, इससे अच्छी खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकती। और इसका वर्थ जो है वो 2000 का है। टू मेरे लिए लकी डे है। यस आज ही के दिन जयश्री मिश्री वा बनी थी। ये क्या बात है। तो ये आया है जयश्री को फ्रॉम कलर बार। व्हाट इज दिस? नेल पेंट रिमूवर। ओके वाओ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो ये है कलर बार की साइड से लिपस्टिक। एंड ये जो है ये है ए स्टोन फ्री नेल इनेमल रिमूवल विद प्रोटीन एंड विटामिन B5। ये नेल पेंट रिमूवर शानदार चीज है यार। थैंक यू कलर बार। थैंक यू बोलो। थैंक यू कलर बार। करवा चौथ का सेकेंड डे और मैं शाम से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग 4:30 से ऊपर ही हो रहा है। और यहाँ पे ये लेकर आए हैं बहुत सुंदर। सर हाथ की दिखाई। देखिए मेरा तो ये सेकंड डे ही है मेहंदी का। अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे लगाए हुए और तुरंत छुटा के मार्केट से, मतलब छुटाए बने और मार्केट चले गए थे बाइक से। करण की तबीयत ठीक हो जाए जरूरी लाइक। मेरी भी मेहंदी डार्क हो चुकी है। आपकी दुल्हनिया दवाई खा रही है। क्या हालत हो गई है मेरी जाना की। ये ना
इनके इनका एक हिडन टैलेंट है गाइस, ये एक साथ दो तीन दवाइयाँ खा लेती हैं, पानी उतना ही लगता है इनको, पर आज ये ना एक एक करके खा रही हैं कि कैमरा ऑन है इसलिए नहीं तो ये अपने टंग में ना लाइन से सेट कर लेती हैं 1 2 3 और उतना ही जितना हमें एक टैबलेट में पानी लगता है उतना ही पानी पीकर ये पूरी खा लेती हैं, बहुत पानी बचाती हैं ये अब है इसकी बारी सिरप आपका फेवरेट चम्मच इसलिए आया क्योंकि इसको स्पून में देना है अच्छा जुकाम होता तो मुझे खांसी में कन्वर्ट हो चुका है और अभी खांसी जो है वो बहुत डेंजरस होती है कितना सुंदर कलर है इसका एक्वा ग्रीन एक्वा ब्लू कलर इसमें और सुंदर लग रहा होगा ना कैमरे में कितना बहुत आती वाली कड़ू है मुझे लगा आती वाला टेस्टी ठीक है ना यार इसको जल्दी ठीक करना है ना तो खाना तो पड़ेगा मतलब एक टैबलेट वो सिरप होती है जो थोड़ा सा ये देखने में जितने सुंदर है उतने एक्वा ब्लू कलर की सिरप पे कल मेरे जो लहंगा पहना था उसका कलर भी एक्वा ब्लू आ रहा था मेरी नेल पेंट का कलर भी मुझे नहीं पता था कि बहुत तेज है ये होने वाला तो है वैसा नहीं करूं इन्हें तो इनका इनहेलर में टेस्ट कर रहा था मतलब टेस्ट मतलब कि चेक कर रहा था कि कितना इसमें ज्यादा विक्स है तो ये मतलब थोड़ी दूर पे मतलब यहाँ पर भी रख के अगर मैं इनहेल कर लूँ ना तो अंदर चले जाए विक्स इस पावर का है क्योंकि एकदम नया है और एक डॉक्टर ने एक वो लिखा वो स्टीम लेने के लिए सुबह मस्त स्टीम लेती है उसकी मैं जैसे उन्होंने कैप्सूल डाली मैंने 3-4 से इनहेल किया उनका बोतल में डाल दिया और वो पैकेट में जैसे मैंने 3-4 इनहेल किया वॉमिट ही हो गया मुझे मैं स्टीम में लेकर पर वॉमिट में टेंशन का फूटा है बहुत ज्यादा इंजन तो वो नहीं देना अच्छा खाने और आज सुबह जब ये टीका और सिंदूर आज जब सुहाग लेते हैं ना करवा चौथ जो व्रत रहते हो मेरा मालूम होता होगा करवा माता की जब विदाई करते हैं उसके पहले हम सुहाग लेते हैं तो ये बैंगल्स और ये जो मैंने सिंदूर डाला है ये तभी का है ये लीजिए मैंने तो इन्हें जो सिरप मिला है ना उसको पीने के बाद 10-15 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है और उन्होंने कहा है कि इसको पीने के बाद थोड़ी सी नींद आएगी तो अच्छा है नींद भी इसलिए शायद ज़रूरी हो जाती है नींद आ जाती है तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा रिलैक्स मिलता है जो कफ वाली खांसी होती है ना उसकी कोई भी दवाई ऐसी होती है उसको पीने के बाद वॉमिट हो जाता है पर अभी आप ऐसा मत सोचिए फिर 10 मिनट बाद मैं च्यवनप्राश दे दूंगा ना तो टेस्ट सारा चेंज हो जाएगा इनको च्यवनप्राश इतना बेकार लगता है पता नहीं क्यों लगता है फिर क्यों ऐसा नाटक दिखाते हैं इसके लिए कितनी अच्छी चीज है टेस्टी हद हो गई 2 सेकंड नहीं लगता होगा उसको अंदर जाने में सॉलिड फॉर्म में था नहीं कि उसको कब चबा चबा के खाना है वैसे ही चला जाता है अंदर पर इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है और अभी इनको कम से कम मुझे 1 साल तक देना है कंटिन्यू क्योंकि मैं देखने में अच्छी लेकिन इम्यूनिटी इनकी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो इनकी तबीयत जल्दी से मतलब असर पड़ जाता है जल्दी बॉडी में वो चीज़ ठीक करना है क्योंकि काम तो ऑलमोस्ट उतना ही रहता है जितना कि करना है तो उसके लिए अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा भी नहीं कि हम लोग सिर्फ जंक फूड ज़्यादा खाते हैं
हम हेल्दी खाना भी खाते हैं, बाहर का भी खाते हैं, पर ऐसा नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सारी चीजें पसंद करते हैं। वेज हमारा फिक्स रहता है कि हम बाहर तो खाते हैं, वीकली तो खाते हैं, वीकली तो खाते ही हैं, क्योंकि थोड़ा सा चेंज फूड होना जरूरी है, टेस्ट भी। तबियत उससे कारण जब मैं बहुत ज्यादा तैयार होती हूँ तो मेरी तबियत खराब हो जाती है। नज़र भी उतारी है मम्मी ने इवेंट के बाद, जो हमारा करवा चौथ कोई इवेंट था उसके बाद इनकी दो तीन बार नज़र उतार दी है मम्मी ने, बट फिर भी अब जो है अंदर से सर्दी जुकाम तो वो नज़र से तो जाएगा नहीं, वो मेडिसिन से जाएगा और स्टीम वगैरह लेने से जाएगा, तो वो सारी चीज़ें वो कर रही हैं, तो जल्दी ठीक हो जाना चाहिए है ना। तो अभी आप रेस्ट कर लीजिए।